जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच में मुकाबला हुआ और उसमें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने शानदार जीत हासिल कर कैसे पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल दिया है। तो दोस्तों, जानेंगे पॉइंट्स टेबल के बारे में पूरी डिटेल जानकारी, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वही यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि दूसरी बड़ी खबर में हम जानेंगे कि आखिरकार डेविड वार्नर और रिद्धिमान शाह की शानदार बल्लेबाजी के चलते अब ऑरेंज कैप की दावेदारी किसके हाथों में आ गई है उसके बारे में बताएंगे। और वहीं राशिद खान द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लिए जाने पर इस मैच में तो अब पर्पल कैप की दावेदारी का कौन हकदार हो चुका है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो आप इन दोनों ही लिस्टों को जरूर जानिएगा और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद की जीत से खुश हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा मैं ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 47वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया, जहां पर दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आज के इस मुकाबले में काफी दमदार प्रदर्शन कर दिखाया, जहां दोस्तों अपने 20 ओवर खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने 2 विकेट खोकर 219 रन बनाए और 220 रनों का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स की टीम को दिया, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से इस मुकाबले 45 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी रिद्धिमान शाह ने खेली। तो वहीं कप्तान डेविड वार्नर ने 34 गेंदों में 66 रन बनाए और वहीं मनीष पांडे ने आज के इस मुकाबले में 31 गेंदों में 44 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके बलबूते पर हैदराबाद की टीम 220 रनों का लक्ष्य दिल्ली की टीम को देने में सक्षम हो पाई। तो वहीं फिर बल्लेबाजी करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरती है, जहां पर दिल्ली की पूरी टीम बस मात्र 131 रन ही बना पाती है 19 ओवर तक और पूरी टीम ढेर हो जाती है, और जिसके चलते सनराइजर हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को 88 रनों से जीत लेती है। तो वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से ऋषभ पंत 36 रनों की पारी खेलते हैं, तो वहीं अजिंक्य रहाणे 26 रन बनाते हैं और तुषार देशपांडे 9 गेंदों में 20 रन की पारी खेलते हैं और बाकी कोई भी बल्लेबाज 20 से ज्यादा का स्कोर भी खड़ा नहीं कर पाता, जिसके चलते दिल्ली की टीम को यह शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और वहीं हैदराबाद की तरफ से आज के इस मुकाबले में राशिद खान ने अपने 4 ओवर फेंकते हुए मात्र 7 रन दिए और उसमें 3 विकेट हासिल की, जो कि अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार जीत के बाद अब पॉइंट टेबल का समीकरण भी पूरी तरीके से बदल चुका है। तो ये चलिए जानते हैं कि आखिरकार पॉइंट टेबल में अब कौन सी टीम किस स्थान पर आ चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हो कि जो पहले नंबर पर टीम बैठी हुई है वो है मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर मुंबई की टीम ने अभी तक अपने 11 मैच खेले हैं और 11 में से इन्हें 7 में जीत मिली और 4 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं जो इनका नेट रन रेट है वो 1.252 है, जिसके चलते इनके जो पॉइंट है वो पूरे 14 है और बेहतर नेट रन रेट की वजह से मुंबई इंडियंस की टीम पहले स्थान पर बैठी हुई है। तो वहीं बात करें दूसरी टीम के बारे में, जो दूसरी टीम निकल कर आती है इस लिस्ट में वो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 11 मुकाबले खेलते हुए 7 में जीत हासिल करी और 4 में हार का सामना करना पड़ा है और वहीं जो इनके पॉइंट है वो पूरे 14 है। तो वहीं दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी टीम के बारे में। जो तीसरी टीम इस लिस्ट में निकल कर आती है वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां दोस्तों दिल्ली की टीम ने अभी तक अपने 12 मुकाबले खेले और 12 में से इन्हें 7 में जीत मिली और 5 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और इनका जो नेट रन रेट है वो 0.030 का हो चुका है और जिसके चलते इनके जो पॉइंट है वो पूरे 14 है। तो सनराइजर हैदराबाद से मुकाबला हारने के बाद दिल्ली की टीम को काफी भारी नुकसान हुआ है पॉइंट टेबल में। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं चौथी टीम के बारे में। जो चौथी टीम है इस लिस्ट में वो है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, जहां पर पंजाब ने अपने 12 मैच खेले हैं, 12 में से इन्हें 6 में जीत मिली और 6 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और वहीं जिनके पॉइंट है वो पूरे 12 हैं, हालांकि इनका जो नेट रन रेट है वो माइनस में जा रखा है, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में। जो अगली बड़ी टीम निकल कर आती है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां पर कोलकाता की टीम ने 12 मैचों में से 6 में जीत हासिल करी और 6 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और वहीं जो इनके पॉइंट है वो पूरे 12 हैं, हालांकि बेकार नेट रन रेट की वजह से केकेआर की टीम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। तो वहीं बात करें छठी टीम के बारे में। जो छठी टीम निकल कर आती है वो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जहां पर हैदराबाद की टीम ने 12 मैच खेले और 12 में से 5 में इन्हें जीत मिली है और 7 में इन्होंने हार का सामना करना पड़ा है और वहीं जो इनके पॉइंट है वो पूरे 10 हैं, तो जिसके चलते छठे नंबर पर यहां पर हैदराबाद की टीम आती है। तो वहीं बात करें सातवीं टीम के बारे में। जो सातवीं टीम इस लिस्ट में निकल कर आती है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जहां पर राजस्थान की टीम ने 12 मैचों में से 5 में जीत हासिल करी और 7 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और वहीं जो इनके पॉइंट है वो पूरे 10 हैं। तो वहीं बात करें आठवीं टीम के बारे में। जो आठवीं टीम इस लिस्ट में निकल कर आती है वो है चेन्नई सुपर किंग की टीम, जहां पर चेन्नई की टीम ने 12 मुकाबले खेले हैं, 12 में से इन्हें 4 में जीत मिली और 8 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, तो जिसके चलते जो इनके पॉइंट है वो पूरे 8 हैं। तो ऐसे में दोस्तों, पॉइंट टेबल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को भारी बढ़त हुई है। तो अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की दावेदारी अब किसके हाथों में आ चुकी है। तो
जैसे कि आप सब यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हो कि ऑरेंज कैप की दावेदारी अभी भी केएल राहुल के हाथों में ही है, जो कि सबसे टॉप के स्थान पर अभी बैठे हुए हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं शिखर धवन 471 रन बनाने के साथ। फिर अब तीसरे नंबर पर नाम आ चुका है डेविड वार्नर का, जिन्होंने 12 मैचों में 436 रन बनाए हैं। वहीं चौथे नंबर पर विराट कोहली का नाम है 415 रन बनाने के साथ 11 मैचों में। और पांचवें नंबर पर फाफ डू प्लेसिस 12 मैचों में 401 रन बनाकर। तो वहीं बात करें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की, तो सबसे ज्यादा विकेट लेने गेंदबाजों में पहले नंबर पर वो है कगिसोर अबाड़ा, तो वहीं दूसरे नंबर पर मोहम्मद शमी का नाम आता है 20 विकेट लेने के साथ। और वहीं तीसरे नंबर पर अब राशिद खान आ चुके हैं, और वहीं चौथे नंबर पर जोफ्रा जैन और पांचवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, इन दोनों ही लिस्टों में कौन से खिलाड़ी आप लोगों को टॉप के स्थान पर दिखाई देते हैं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 47वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला, जहां पर दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं हैदराबाद ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए और दिल्ली की टीम को जीत के लिए 220 रनों का लक्ष्य दिया। तो वहीं प्लेऑफ्स में पहुंचने के मकसद से मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने धमाकेदार शुरुआत की, जहां पर टॉस जीतकर दिल्ली ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर के साथ रिद्धिमान साहा क्रीज पर उतरे, जहां पर वार्नर अलग ही रंग में नजर आए और उन्होंने पहले ही गेंद से आक्रामक शॉट खेलने शुरू कर दिए। तो वहीं दोस्तों दिल्ली का कोई भी गेंदबाज वार्नर और शाह पर दबाव नहीं बना पाया और इसी के साथ वार्नर के रूप में लगा, जहां पर डेविड वार्नर 66 रन बनाकर रविंद्र चंद्रन अश्विन के शिकार बने, जबकि रिद्धिमान साहा के तौर पर टीम को दूसरा झटका लगा और उन्होंने 87 रनों के लिया। और वहीं फिर हैदराबाद की तरफ से मनीष पांडे आज के इस मुकाबले में 44 रन बनाकर नवाद लौटे मात्र 31 गेंदों में, और वहीं केन विलियमसन ने आज के इस गेंदों में 11 रन की पारी खेली। तो ऐसे में दोस्तों हैदराबाद की शानदार बल्लेबाजी के बलबूते पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इन्होंने 220 रनों का लक्ष्य दिया। तो वहीं फिर जवाब में उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पर शिखर धवन इस मैच में गोल्डन डक का शिकार हो गए। जी हां दोस्तों, आते से ही शिखर धवन का खाता खोले बिना ही संदीप शर्मा की गेंद पर वार्नर के हाथों लपके गए। तो वहीं मार्कस स्टोइनिस 5 रन बनाकर आज नदीम की गेंद पर वार्नर के हाथों कैच आउट हुए, और वहीं सिमरन हेटमेयर इस मुकाबले में 16 रन बनाकर राशिद खान का शिकार बने। हालांकि ये 3 विकेट गिरने के बाद अजिंक्य रहाणे थोड़ी थे, और लेकिन उसके बाद वो भी राशिद खान की गुगली का शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते अजिंक्य रहाणे ने आज के इस मुकाबले में 26 रन बनाए। और वहीं कोई भी बल्लेबाज कुछ भी ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाता दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से, जहां पर मार्कस स्टोइनिस मात्र 5 रन बनाकर आउट होते हैं, सिमरन हेटमेयर 16 रन। तो वहीं कप्तान सुरेश अय्यर से उम्मीदें थी कि वो आज के इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता और सुरेश अय्यर भी मात्र 7 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और वहीं हैदराबाद की टीम की तरफ से संदीप शर्मा आज के इस मुकाबले में 1 विकेट हासिल। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।